हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। ठीक है, नाटक करना मतलब आप अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज इज बेसिकली व्हाट? थेल्स थ्योरम का उल्टा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना? एक बार हम थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा था? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब बोले थे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ तो उद्देश्य होगा। टू इंटरसेक्ट इट एट टू डिफरेंट पॉइंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखे थे। ठीक है ना? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है ना? टू डिफरेंट पॉइंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द साइड विल बी divided into equal ratio। यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक रेखा को किसी के समानांतर खींचेंगे तो वो दो भागों में दो बचे हुए भुजाओं को दो अलग अलग बिंदु पे काटेगा, और इस प्रकार काटेगा कि वो रेशियो आपस में दोनों जो साइड है वो क्या हो जाएगा, आपस में रेशियो उसका बराबर होगा, सेम अनुपात होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, तो क्यों लिखा मैंने स्टेटमेंट को, उसके पीछे रीजन है क्या? मैंने बोला उल्टा, तो अभी आप क्या करें कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल होगा तब जाके रेशियो इक्वल होगा। ये थेल्स थ्योरम कहता है कि एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो कन्वर्ज क्या कहेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रेशियो इक्वल होगा अगर किसी लाइन के ड्रॉ करने से। ठीक है ना? किसी लाइन के ड्रॉ करने से अगर रेशियो इक्वल हो रहा है तो वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर है? पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, ये थेल्स थ्योरम कहता है। पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, थेल्स थ्योरम कहता है। और ये क्या कहते हैं चाचा? ये कहते हैं कि अगर रेशियो इक्वल है तो वो लाइन निश्चित रूप से एक पैरेलल होगा। ठीक है ना? जैसे अभी रामायण का दौर चल रहा है, तो वो बालक अभी आप देख रहे हैं, लवकुश का सीन चल रहा है। ठीक है ना? तो लवकुश के बारे में क्या बोलते हैं, मतलब वो जरूर ही कोई या तो दिव्य शक्ति होगा या तो दैव्य शक्ति का रूप होगा। तो वो क्या निकलते हैं बाद में? प्रभु राम के संतान निकलते हैं। ठीक है, सेम चीज है। तो ये आपको बोला कि सुनिए ना, ये एक रेशियो इक्वल हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करने से वो रेशियो इक्वल हो रहा है। तो ऋषि मुनि बोले कि बेटा वो जो लाइन है वो निश्चित रूप से उसके पैरेलल होगा, तभी ऐसा संभव है कि रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब अच्छा, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किए कड़े से भाई, ये प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है जी, डी पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है। ठीक, ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सबसे पहले गिवन लिखना है ट्रायंगल एबीसी, और क्या दिया है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सर ये गिवन दिया है? बिल्कुल दिया है ना भाई, गिवन दिया है रेशियो इक्वल है, गिवन दिया है रेशियो इक्वल है, तभी जाके क्या होगा, वो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है ना? तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज लिख लीजिएगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड इन इक्वल रेशियो देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, लिख लीजिएगा। यदि कोई लाइन किसी दो भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह तीसरे भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपने? सपोज एक हम लाइन ड्रॉ कर लिए, ये मान लेते हैं पैरेलल नहीं है, लेट अज्यूम दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। जब पैरेलल नहीं है तो निश्चित रूप से कोई ऐसा लाइन होगा जो पैरेलल होगा, तो एज्यूम डी एन
डीएन ड्रॉन डीएन पैरेलल टू बीसी। ये अजम्पशन है कि ये पैरेलल है, ठीक है ना, टोटली अजम्पशन है, ये जरूरी नहीं कि पैरेलल होगा, और वो नहीं ही होगा क्योंकि पहले से पैरेलल है। अगर पैरेलल है तभी ये चीज़ इक्वल है। तो जो भी हम तमाशा कर रहे हैं वो सब नहीं दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, कि नहीं होगा। जैसे ही नहीं हो गया तो बचा हुआ होगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ को दो रुपए में आप बांट सकते, दो बराबर भागों में बांट सकते। कोई व्यक्ति पागल है तो जितना बचा हुआ व्यक्ति है वो सारा पागल नहीं होगा। दो कैटेगरी में हमेशा चीज़ों को बांट सकते हैं। तो ये पैरेलल नहीं प्रूफ कर पाए कि ये लाइन नहीं पॉसिबल है, तो बचा हुआ लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है जी। तो क्या लिख सकते हैं, जब ये पैरेलल माने तो ए डी बाई फ्रॉम थेल सीरम क्या लिख सकते हैं, थेल सीरम से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी, है ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी सी आपने बोला कि ये डी एन पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बाई डी बी अपॉन ए एन बाई ए सी, ठीक है, जो चोटी है वो ऊपर रखा हुआ, ये आपने फाइंड किया। फिर आपको लेकिन दे रखा क्या, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब क्या करेंगे, दोनों में प्लस वन कर दिए, दोनों में प्लस वन कर दिए, दोनों में प्लस वन कर दिए, ठीक है। जब इसमें प्लस वन किए तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन सी अपॉन एन सी, ठीक है, यह आया रिजल्ट, दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी यानी ए बी अपॉन डी बी, उसी तरह ए एन प्लस एन सी यानी ए सी अपॉन एन सी, ये रिजल्ट हो गया इसका। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, इधर की बात करें तो ए प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा आगे। इसके बाद क्या लिख देंगे, ए डी प्लस डी बी यानी ए बी अपॉन डी बी, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, ये मान लीजिए दो और ये मान लीजिए एक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया भाई, यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन लिखा हमने, दोनों प्लस कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन वन को हम देखते हैं क्या दिख रहा है, एक जगह लिखेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई एन सी, ये इक्वेशन वन कह रहा है। और इक्वेशन टू क्या कह रहा है, ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ठीक है, समझिएगा। ये इसका वजन, मतलब हम बोले इसका वजन इसके बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर, उसी तरह इसका वजन इसके बराबर, मतलब एक कॉमन चीज़ है। मान लीजिए एक ग्रीन मार्कर है, ग्रीन मार्कर का वजन ये ब्लैक मार्कर के बराबर है, और इस रेड मार्कर का वजन भी ग्रीन मार्कर के बराबर है। मतलब ये मान लीजिए 5 किलो है ग्रीन मार्कर का वजन, तो ब्लैक मार्कर का ही 5 किलो, क्योंकि ये इसके बराबर है, उसी तरह रेड मार्कर का ही 5 किलो, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई एन सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, है ना। अरे यार ये तो गजब हो गया, ये तो ए सी ए सी कट गया, तो हम लिख सकते हैं एन सी इज इक्वल टू ई सी, एन सी इज इक्वल टू ई सी, एन सी इज इक्वल टू ई सी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है, बोल रहा है, मतलब सर वो बेवकूफ़ बना रहा, वो एन है ना और ई है ना, दोनों एक ही है, मतलब दे कोइंसाइड ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तभी जाके ये पॉसिबल है। तो एन देयर फोर यहाँ से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, समीकरण तीन से क्या लिख सकते हैं कि एन और ई एक ही के ऊपर होगा, है ना, ई सॉरी एन कोइंसाइड्स ऑन ई,
जब ई के ऊपर कोइंसाइड करेगा तो देयरफॉर क्या लिख देंगे, डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड। ठीक है जी, आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जा रही, अगेन हर बार की तरह इस साल भी, मतलब इस बार भी मैं ये बोलूँगा कि अपना डाउट को कमेंट में बताइए, हम और बेहतर करेंगे अपनी एंड से कि आपको बेहतर से बेहतर काम करके दें। क्योंकि जो आपको भारी लगता है, याद रखिएगा, जो आपको भारी लगता है मैं उसको ईजी करके दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप एक और साथ तो दीजिए, ठीक है, मेरे साथ चलते चलते, ये कहाँ ठहर गए तुम। चलिए स्टार्ट कर, अपना बनाइए ट्रिग्नोमेट्री को, और सॉरी ट्रायंगल को, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत सारा वीडियो है, आप सारे वीडियो को बनाइए, हर के अंदर जाके अपना डाउट लिखिए। उसके लिए आपके लिए सेपरेट एक बच्चा भी करेगा तो मेरी आदत है कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर भेजता हूँ, ठीक है ना। आप अपना ईमानदारी से मेहनत करिए, मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूँ। आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जितने भी शिक्षक गण हैं जो मजदूर की तरह काम करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए कि आपका मेहनत आपके बच्चे को मेहनत कम करने पर ये करेगा, और बहुत बच्चे आपसे प्रेरित होंगे, आप जितना मेहनत करेंगे आपसे बच्चे प्रेरित होकर आप और भी मेहनत करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।